डॉक्टर समेत 20 कोरोना संक्रमित मिले, एक्टिव केस 72 हुए। कानपुर में 2 डॉक्टर समेत 20 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें एक डॉक्टर GSVM मेडिकल कॉलेज का है। शनिवार को आरनगर स्थित निजी अस्पताल में मरे चंदारी के 55 वर्षीय रोगी को RT-PCR जांच में भी कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसके पहले मरीज का एंटीजन टेस्ट हुआ था। 20 संक्रमितों में उसका भी नाम शामिल है। नगर में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। इसके अलावा 4 संक्रमित होम आइसोलेशन में इलाज से ठीक हो गए हैं। कोरोना संक्रमित सभी रोगियों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। कृष्णा नगर के 39 वर्षीय रोगी का इस समय नोएडा में इलाज चल रहा है। आधार कार्ड में स्थानीय पता होने पर उसे पोर्टल पर नगर के खाते पर डाला गया है। 29 वर्षीय एक संक्रमित का पता रिजर्व बैंक कॉलोनी से लिखा हुआ है, लेकिन जब रैपिड रिस्पांस टीम मौके पर गई तो पता गलत निकला। बर्रा की एक 30 वर्षीय रोगी का मोबाइल नंबर और पता गलत निकला। इसी तरह एक संक्रमित लखनऊ का रहने वाला है और पता नगर का लिखा है। एक संक्रमित झारखंड का रहने वाला है। रैपिड रिस्पांस टीम ने रोगियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग भी की। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से संक्रमितों की मॉनिटरिंग की जा रही है। संक्रमित नवाबगंज, किदवई नगर, रावतपुर, KPM, आजाद नगर आदि क्षेत्रों के रहने वाले हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1925 हुई। चंदारी के 55 वर्षीय कोरोना संक्रमित रोगी की मौत कोविड पोर्टल पर रविवार को अपडेट हो गई है। अब तक कोरोना से कुल 1925 रोगियों की मौत हुई है। रविवार को कुल 2002 लोगों की सैंपलिंग करके जांच हुई। 1965 सैंपल CMO की टीमों के हैं। GSVM मेडिकल कॉलेज में 10 सैंपल और उर्सला में एक भी सैंपल की जाँच नहीं हुई है। बाकी सैंपलों की जाँच निजी पैथोलॉजियों में हुई है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अभी आधे से कम जांच हो रही है। नगर के लिए सैंपलिंग का लक्ष्य 4,500 सैंपल प्रतिदिन का है।